एक अच्छा संत प्रवचन सुनाता है, वैराग्य से रहता है, उस संत का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं। ना बाल इधर उधर करता है, वही रोज कपड़े पहनता है, वही मॉडल है, वही रंग वही ढंग, लेकिन संत का जीवन सबको आकर्षित करता है। तुम परम पवित्र आत्मा हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, तुम अमर हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो। तुम स्त्री पुरुष भी नहीं हो, गरीब अमीर भी नहीं हो, तुम चैतन्य परम पुरुष जीव हो, साक्षी हो, दृष्टा हो और आत्मा रूपी परमात्मा बनने की तुम में सामर्थ्य भी छिपी है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की सामर्थ्य है, ऐसे हर आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। लेकिन बीज को अगर अनुकूल जलवायु नहीं मिली तो बीज बीज रहकर ही मिट जाएगा, वृक्ष नहीं बन सकेगा। आत्मा को भी अगर ठीक से साधना नहीं मिली, ज्ञान नहीं मिला, तो आत्मा जीव रूप में ही संसार को छोड़कर चला जाएगा। मैं आपसे कहूंगा, इस अपनी परम पवित्र आत्मा को पहचानो। तुम साधारण नहीं हो, तुम महान हो। अपने भीतर बैठे हुए अविनाशी तत्व के रूप में तुम आत्मा हो। तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती है, शरीर केवल मरता है, तुम अमर हो। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया था और कबीर साहब भी यही उपदेश देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जही मरने से जग मरे जग डरे, मेरे मन आनंद कम मरीहों का पाई हो, पूर्ण परमानंद पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कहते हैं, केवल शरीर मरता है, मैं तो मरता नहीं हूं, और मैं मृत्यु का इंतजार करता हूं कि कब मौत आएगी, कब ये शरीर मरेगा और कब ये आत्मा परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। क्या दुख है, जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे मृत्यु को भी बहुत डरते हैं। वे सोचते हैं मैं मर जाऊंगा। याद रखना, तुम नहीं मर सकते हो, तुम अमर हो। इस तरह के शरीर न जाने कितनी बार तुमने जन्म लिया है और कितनी बार ये शरीर छोड़ चुके हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह आपका क्रम चलता रहता है। मौत कुछ और नहीं करती है, पुराने शरीर को ले लेती है और नया शरीर आपको दिला देती है। कोई आदमी आपकी पुरानी मोटरसाइकिल ले ले और नई मोटरसाइकिल आपको दे दे, तो उसको तुम धन्यवाद दोगे कि उससे नाराज हो जाओगे? तुम धन्यवाद दोगे, कहोगे वाह, फिर ये पुरानी हो जाए तो फिर चेंज कर देना। तो मौत केवल तुम्हारे शरीर को चेंज करती है, पुराना ले लेती है और नया शरीर आपको दे देती है। इसलिए मौत को धन्यवाद देना, मरने से डरना मत। लेकिन मरने के लिए प्रयास भी मत करना कि जहर खा के मर जाऊं। कितने लोग आत्महत्या करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, आत्महत्या क्यों करते हो? कोई जानवर पशु पंछी भी आत्महत्या नहीं करता है। तुम्हारे पास क्या कम है? देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, एक गंवाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस शरीर को मंदिर समझो और इसको संभाल कर रखो। इस शरीर से ही तुम भक्ति करोगे, इस शरीर से ही प्रवचन सुनोगे,
इस शरीर से ही सेवा परोपकार करोगे, इस शरीर से ही धन कमाकर दान करोगे, इस शरीर से ही दूसरों को सहारा दोगे, इस शरीर से ही घर बनाओगे, इस शरीर से ही आप सत्संग में आओगे। इस शरीर को बिगाड़ो मत, इसका स्वास्थ्य भी सुधार कर रखो, इसको अच्छी रोटी खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और इसको सत्संग में भी लगाओ और ये शरीर से इतना पुण्य कमाओ कि जन्म जन्म आपके अच्छे हो जाएं, जन्म जन्म कल्याण हो जाए। ये शरीर दारू पीने के लिए नहीं है और दारू पीना कोई बहादुरी का काम भी नहीं है। कितने पुरुष लोग दारू अंधाधुंध पी रहे हैं, उनसे पूछो दारू पीकर क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो कहते हैं नाशवान शरीर है, आखिर मिट्टी में तो मिलेगा ही, तो क्या फर्क पड़ता, थोड़ा पहले से ही मिट्टी मिला देता। ये तर्क वितर्क मत करो, ये शरीर, इसको कहा गया है कि ये भगवान का मंदिर है और इससे बड़े सुख भी मिलते हैं, कोई दुख नहीं, बहुत आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करो। अपने घर में कभी कभी कुर्सी पर बैठकर, फर्श पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर, कूलर के सामने बैठकर मुस्कराया करो, धन्यवाद दिया करो कि कितना सुंदर मनुष्य का शरीर हमको मिला, इतनी बुद्धि मिली, ऐसे सास ससुर मिले, घर परिवार मिला। कभी कभी स्वयं को भी धन्यवाद देना, अपनी किस्मत की सराहना करना। और कभी आपको दुख लगे अपनी पत्नी से तो याद कर लेना, कम से कम महाराजा दशरथ की पत्नी कैकेयी से मेरी पत्नी कई गुना अच्छी है, उसने अपने पति को परलोक भेज दिया था, मेरी पत्नी तो कम से कम मुझे केवल खेत में भेजती ही फिर वापस बुला लेती है, धन्य है मेरी पत्नी, दुखी ना होना। और सुख चाहते हो तो एक फार्मूला याद करना, आज बताऊं कि कल बताऊं, कल आओगे नहीं क्या, आओगे? आप भी सोचते हो कि कल कुछ और नया सुनाना, आज तो पूरा सुनाओ जो सुनाना है, धन्य हो। कबीर साहब ने अपने बीजक ग्रंथ में एक साखी कहा है, कबीर साहब का बीजक मूल यहां बिकता है शायद, एक एक पुस्तक सब ले लेना, उसमें सब वो लिखा है जो मैं बताता हूं, उसमें ढूंढना आप। तो उसमें एक बहुत सुंदर और सुख देने वाला दोहा है, साखी जिसको कहते हैं, क्या है, दो लाइन है सिर्फ, नजरिया का सवाल है, दृष्टि और सृष्टि, जो कि वेद ऋषियों ने बहुत पहले कहा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी नजर वैसा नजारा। तो कबीर साहब बड़ा सिंपल हिंदी में कहते हैं, कबीर हम सबते बुरी, हमते भल सब कोई। देखो समझना बात को, कबीर कहते हैं कि कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोए, और जिने ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए, मीत हमारा सोए। अब इसका ऐसे तो दोहा सुनकर आप पूरा समझ नहीं पाओगे, ये संस्कृत से भी कठिन है, लगता हम समझ गए, समझ उमझ कुछ नहीं गए, मैं समझाऊंगा, इसका बड़ा डिटेल है, विस्तार है, क्या है। कबीर कहते हैं मैं सबसे बुरा हूं और हमसे भले, हमसे अच्छे सब लोग हैं, तो क्या अर्थ हुआ इसका, जो व्यक्ति दूसरों में भलाई देखता है, अच्छाई देखता है, अर्थात गुण देखता है, तो क्या होता है,
तो जिसमें तुमको गुण दिखाई देते हैं, अच्छाई दिखाई देती है, उससे तुमको प्रेम हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और जिसमें तुमको बुराई दिखाई देती है, अवगुण दिखाई देते हैं, उससे धीरे धीरे नफरत हो जाती है, दूरी हो जाती है, घृणा हो जाती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें गुण और दोष दोनों ना हो। परसेंटेज कम ज्यादा होता है, कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। अब तुम्हारी नजर गुणों पर है कि उसके दोषों पर है, उसकी अच्छाइयों पर है कि उसकी बुराइयों पर है, उसकी भलाई पर है नजर कि उसकी बुराई पर है, नजर कहाँ है? जैसे आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है पानी में जिसको जोंक कहते हैं, यहां क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जिसके दोनों तरफ मुंह होता है और रबड़ जैसा वो बढ़ता है, लंबा होता है, और जहां पकड़ता है वहां से खून खींचता है। वो जानवरों को ज्यादा पकड़ता, भैंस को या तालाब में कोई घुसे तो उसको भी पकड़ लेता, आदमी को भी पकड़ता है। उसको क्या नाम देते हो आप? जरोक। चलो हम जोंक कहते, तुम जरोक कहते, मेरी नेपाल तरफ की भाषा है। तो जोंक, जरोक, तो आपने देखा होगा भैंस का बच्चा जो पड़वा है, जिसको तुम पाणा बोलते, पाणा बोलते, वो पाणा जब भैंस के अस्तन को पकड़ता है, दूध को पकड़ता है, तो वहां से दूध खींचता है। लेकिन उसी जगह पर जब जोंक पकड़ती है, वो जरोक पकड़ती है, तो वो खून खींचती है, दूध नहीं खींचती है, वो खून खींचती है। स्थान एक ही है पर जरोक खून को खींचती है और पाणा दूध को खींचता है। याद रखना ऐसे ही दुनिया वही है लेकिन दृष्टि अलग अलग है। जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वहां वही दिखाई देता है सृष्टि में। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो। जरोक बनकर अगर संसार में देखोगे तो खून ही खून खींचोगे, पाणा बन करके दूध खींचोगे, तंदुरुस्ती आएगी आपकी। आपकी पत्नी आपका पति, आपकी बहन आपका भाई, आपकी माता पिता सास ससुर देवरानी जेठानी देवर जेठ, इतने लोग रिश्ते में बेटा बेटी होते हैं, इनके अंदर आप क्या देख रहे हो? आज सब सासों को मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि घर घर में ज्यादातर सासू बहू में महाभारत छिड़ी रहती है। तो आज से महाभारत अंत हो, रामायण की शुरुआत हो, सासू को चाहिए कि अपनी लाड़ी में गुण देखे। सासू ससुर दोनों मिलकर ये देखो, अगर लाड़ी ना होती तो तुमको सास ससुर कौन कहता? अगर शिष्य ना होता तो आपको गुरुजी कौन कहता? अगर भक्त ना होता तो भगवान कौन कहता? यदि बेटा ना होता तो तुम्हें पिताजी और माताजी कौन कहता? इसलिए थोड़ा इनका भी ख्याल रखना। लाड़ी जब तक नहीं आती है तब तक तुम केवल माता पिता की डिग्री पाते हो, जब लाड़ी आती है तुमको सास ससुर की डिग्री दे देती है। ये कोई कम है सासू का दर्जा? सासू की पदवी बहुत बड़ी पदवी है। मैंने सुना है किसी प्रदेश में एक लाड़ी ससुराल गई पहली बार, तो वहां का नियम था कि सबको प्रणाम करो। तो लाड़ी सबको नमस्कार कर रही थी, तो जिसको जिसको नमस्कार करती थी तो वो कुछ लाड़ी को इनाम देता था, कोई 100 रुपये, कोई 500, कोई 1000, और कोई अंगूठी, और कोई कुछ सामान, घड़ी वो लाड़ी को देते थे। लाड़ी ले लेती थी, फिर दूसरे को प्रणाम करती थी। पीछे एक और आदमी रहता था, लेडीज वो सब थैले में रखती थी। तो सबको प्रणाम किया लाड़ी ने, सब कुछ मिल गया।
अंत में अपनी सासू के पास पुनः गई और सासू के पैर पकड़ दिया। सासू खुश हो गई, उसने कहा तुझे मैं सोने का हार, बहुत बड़ा हार बनवा कर दूंगी। लाड़ी तू धन्य है, सिर पे हाथ रखा कि तुझे मेरा आशीर्वाद है, अब मेरे पैर छोड़ दे, मुझे कुछ और काम करना है। लाड़ी ने पैर नहीं छोड़ा, पकड़ के मजबूती से बैठी रही। बोले नहीं सासू। तो सासू ने कहा कि ले मैं तेरे लिए जितनी भी घर की चीजें हैं अब तेरा अधिकार कर देती हूं, तू अपने ढंग से कर, पर मेरे पैर छोड़। लाड़ी चल। लाड़ी मुस्कराई और फिर भी पैर नहीं छोड़ा, पैर मजबूती से पकड़कर सिर टेक दिया। बोले नहीं सासू। तो सासू ने चाबी निकाल कर लाड़ी को दे दिया कि ये चाबी पकड़, आज से तू मालिक और मैं छोटी हो गई, ठीक है। बोले नहीं सासू, मुझे एक काम करो कि आज ही से सासू बना दो, बस सब ठीक हो जाए। सासू ने कहा सासू बनने से क्या फायदा। बोले सासू का बहुत पावर होता है, इसलिए सासू बनूंगी मैं। तो सासू ने सिर पे हाथ रखा कि सासू बनने में 20 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष की तपस्या है। पहले तेरे बेटा होगा, फिर बेटा बड़ा होगा, 20 साल का होगा, तब उसकी शादी होगी, तब उसकी जब लाड़ी आएगी तब तुझको सासू बनने का नंबर मिलेगा। तो याद रखना, जो सासू बन गई ये कोई मामूली बात नहीं है, अपने सासू के पद को सुरक्षित रखो और संभल संभल करके चलो। यदि लाड़ी वापस चली गई तो ये पद भी वापस हो जाएगा। लाड़ियों को संभालो। और फिर ये भी बात है कि हर लाड़ी किसी की बेटी है, बड़ी आस विश्वास लेकर आती है कि ससुराल जाऊंगी बड़ा सुख मिलेगा। तो सास ससुर को बहुत गम खा लेना चाहिए और घर की समस्याएं लाड़ी को ज्यादा बताना नहीं चाहिए, प्रेम से रखो उसको, संभालो। और लाड़ियों से भी मैं कहूंगा, तुम्हारे सास ससुर वो भी बड़ी आस रखते हैं कि लाड़ी आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगी, तो थोड़ा घर को संभालना भी, ऐसा ना हो कि लाड़ी ही आकर आराम करने लग जाए तो सास ससुर के लिए उल्टा हो जाए। एक सासू रो रही थी उत्तर प्रदेश में, तो मैंने कहा क्यों रोती हो माताजी। बोले रोती इसलिए है कि विचार था कि बहुएं आ जाएंगी थोड़ा आराम मिलेगी, अब बहुओं की भी जूठे बर्तन हम ही मांजती हैं, उनके कमरे में भी झाड़ू हम लगाती और मेरी मेहनत चार गुना बढ़ गई है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे लाड़ी मिली तो मिली, अब दूसरे को ना मिले तो ज्यादा अच्छा। घर में अपने सास ससुर को तंग ना करना, रिश्तों को मधुर बनाना। किसी आश्रम में साधु बनकर जाओ, शिष्य बनकर जाओ, आश्रम की व्यवस्था को भी संभाल लो। ऐसा नहीं कि शिष्य बन गए तो रात दिन सोते रहो, काम ना करो। हमारा शरीर जहां रहता है, शरीर की आवश्यकताएं रहती, शरीर के खर्चे रहते, शरीर की जरूरतें रहती हैं। इस शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर इंसान को चाहिए तुम जहां हो वहीं पर कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, आलस्य मत करो। कागज तो बहुत पड़े हुए हैं, बिखरे हुए रोड किनारे, लेकिन कहीं आपने नहीं देखा होगा कि 100 और 1000 का नोट पड़ा हो, जो देखता है उसको तुरंत उठा लेता है। कागज के टुकड़े सब उड़ते रहते, इधर उधर हवा में लुढ़कते रहते हैं, लेकिन नोट कहीं उड़ता नहीं मिलेगा, क्योंकि जो देखा वो रखता है जेब में। ऐसे तुम नोट जैसे कीमती बनो तो इधर उधर लुढ़कते नहीं रहोगे, जिसको मिल जाओगे वही तुमको संभाल के रख लेगा।
आप में कीमत होना चाहिए, तो चाहने वालों की भी कमी नहीं। गुणवान नौकर भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। औगड़ी नौकर, कामचोर, निकम्मा नौकर कोई रखना नहीं चाहता है। मालिक भी हिसाब करके विदा कर देता कि तुम जाओ छुट्टी। छत्तीसगढ़ में एक सज्जन के यहां में 2-3 दिन ठहरा, प्रवचन था, बिस्तर मेरा उनके यहां था। तो एक दिन वह हमारे साथ बैठे, बोले कि कुछ दिल की बात करूं, तो हमने कहा करो। तो बोले मैं एक सज्जन के यहां 20 साल नौकरी किया हूं, एक दिन बीमार हो गया गुरुदेव, तो नीचे बैठा था फर्श पर, थोड़ा निराश उदास। तो मालिक की घर वाली आई, उसने कहा बेटा आज बीमार हो, नीचे क्यों बैठे हो, कुर्सी पे बैठो, अभी डॉक्टर बुलाकर इलाज करा देती। इलाज करवाया, मुझे कुर्सी पर बिठाया, जिनको हम रोज पानी पिलाते थे उन्होंने लाकर मुझको पिलाया, और जो हमारे सेठ जी थे उन्होंने रुपया निकाल कर हमारे हाथ पर रखा कि 1 लाख भी तुम्हारे इलाज में लग जाएगा, 10 लाख लग जाएगा तो मैं लगाऊंगा और वेतन में नहीं काटूंगा। तू नौकर नहीं है, तू मेरे बेटे से कम नहीं है, कम नहीं है। 20 साल के बाद मुझे कहानी सुनाया। मैंने कहा आप क्या करते हो, बोले अब शरीर कमजोर हो गया तो घर में रहता हूं, लेकिन उस मालिक की याद करके आंसू आ जाते हैं। कितना अच्छा मालिक है, कितना अच्छा नौकर है। किसी भी ग्रेट में रहो, लेकिन दूसरों का दिल जीतो। ऊट पटांग बोल चाल मत करो, उल्टा पलटा काम मत करो, उल्टा पलटा व्यवहार मत करो। ऐसा व्यवहार हो, ऐसी बातचीत हो कि तुम अगर छूटने लग जाओ तो लोगों को लगे कि प्राण छूट रहे हैं। ऐसा प्रेम पैदा करो, इस संसार को स्वर्ग बनाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। कभी टिकट कट जाए, कभी आपका करोड़ों धन चुनाव में बर्बाद हो जाए और जीत ना हो, लेकिन फिर भी निराश मत हो। 15 बार चुनाव हारने के बाद भी अब्राहम लिंकन अमेरिका का निराश नहीं होता है। 1 बार नहीं 15 बार चुनाव हारा, और उसके बाद 16 बार चुनाव जीतकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया। विचार करो, जो निराश नहीं होता है उसकी हार में ही सफलता का द्वार खुलता है। जो निराश नहीं होता है उसका जो सब खो गया है वो डबल वापस आ जाता है। जो निराश नहीं होता है, याद रखना, उसको एक न एक दिन जीत जरूर मिलती है और उसको सफलता मिलती है। तो आप अपने घर में भी निराश मत होना। खेती बाड़ी में कभी बरसात ज्यादा हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, तो भी निराश मत होना, अगले साल फसल डबल हो जाएगी। कभी अकाल पड़ जाए, पानी न बरसे, फसल खराब हो गई, सूख गई, तो भी निराश न होना। दूसरा साल ऐसा आने वाला है, इतना प्याज होगा कि संभाल नहीं पाओगे, कहां रखूं ये सोचोगे। इतना लहसुन होगा कि सोने की जगह नहीं मिलेगी, पूरे घर में लहसुन लहसुन रहेगा। इतना गेहूं आ जाएगा। ये सृष्टि और ये प्रकृति तुमको भूखा नहीं रख सकती है, तुम्हारे लिए इंतजाम करेगी, घबराना मत। और जिसके घर में कोई बच्चे की मृत्यु हो जाए, प्रिय बेटा आपका देह छोड़कर परलोक चला जाए, अब उसके लिए रोज रोज बैठकर रोना भी मत। थोड़े दिन रो लेना, फिर हिम्मत करना और सोचना एक बेटा नहीं है पर और 2 बेटा बचे। अगर हम निराश हो गए
तो जो मर गया वो तो मर गया, पर जो जिंदा है ये भी मरे ही जैसे हो जाएंगे। इसलिए निराश मत होना, उन दो बेटों के लिए अपना कारोबार, अपनी फैक्ट्री, अपने सिस्टम को स्ट्रांग करना और फिर से हंस करके जिंदगी जीना। ये सोचना कि आपके पिता के पिता के पिता के पिता सब संसार छोड़कर चले गए, ये तो मृत्युलोक है। इसमें जिसका जब नंबर आ जाता है वो दुनिया छोड़कर चल देता है। बेटे का नंबर पहले आ गया तो चला गया, मेरा नंबर आएगा तो मैं भी जाऊंगा। ये संसार तो ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए याद रखना, किसी की मृत्यु से भी निराश मत हो। कितने लोग, अभी छत्तीसगढ़ में एक सज्जन ने मेरा प्रोग्राम कराया जय जयपुर में, तो हमने कहा बड़े टूटे हुए दिख रहे हो, क्या बात है? बोले टूटा हुआ दिख नहीं रहा हूं, टूटा हुआ हूं, टूट चुका हूं। तो हमने कहा कैसे टूट गए? बोले बेटा मर गया, बस टूट गए। बोले दो फैक्ट्री थी सब बंद हो गई, खेती बाड़ी सब रद्द। ये मेरी वाइफ है, ये रोती रहती है दिन भर, यही बात है। बस इसको समझाता हूं फिर मैं भी रोता हूं। हमारे घर में रोना ही रोना चल रहा 3 साल से, सब पूरा गरीब हो गया। तो मैंने कहा गरीब हो गए तो मेरे करीब क्यों आए? बोले गरीब के करीब कोई बैठना नहीं चाहता है, एक संत ही ऐसा है जो गरीब को भी गले लगा लेता है, भगवान आप ही का सहारा। तो मैंने कहा प्रोग्राम क्यों करा रहे हो, इसमें तो 2 लाख और खर्च हो जाएगा, 1.5 लाख तो। अरे बोले ये जो 1.5 लाख खर्च होगा आपके सत्संग से शायद मेरी निराशा टूट जाए, हताशा छूट जाए, उदासी खत्म हो जाए और पुनः मेरे अंदर शक्ति का संचार हो जाए तो करोड़ों कमा लूंगा। अंदर बुद्धि तो है प्रभु, लेकिन क्या करूं, टूट गया। 3 दिन वहां प्रवचन हुआ, आखिरी दिन उनके घर से विदाई हुई। कमरे में बिठाकर उनको, उनकी पत्नी को, सबको समझाया आधा घंटा। अभी सिंहस्थ कुंभ में आए थे, 21 पंखा दान दे गए। बोले फिर से फैक्ट्री चालू कर दिया हूं, अब सब दुख दूर हो गया है और मेरी वाइफ भी अब हंसने लगी है और मैं भी हंस रहा हूं। याद रखना, संत आपको कुछ और नहीं देता है, आपकी खोई हुई हंसी खुशी को अपने प्रवचन से वापस लौटा देता है। ऐसा संत देता है, उदासी को तोड़ देता है, आपके अंदर नई शक्ति नई ऊर्जा का संचार कर देता है। संत आपको एक नई जिंदगी जीने का ढंग सिखा देता है। हंस रहे थे पति पत्नी, बोले 2-3 महीने में ही सब कायाकल्प हो रहा है, फैक्ट्री भी चालू कर दिया हूं और अब हंसता हूं गुरुदेव। ज्ञान प्रसन्नता देता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो हमेशा दुखी रहता है। दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए, मूर्ख काटे रोए। मैं आपको निवेदन करूंगा, आत्मज्ञान, संसार का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, जिंदगी जीने का ज्ञान सत्संग से धीरे धीरे प्राप्त करो, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में सुख के फूल खिलेंगे। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि 2 घंटे लगातार 2.5 घंटे से आप बैठे हुए हैं और प्रवचन में एक टक देख रहे हैं, ना कोई म्यूजिक बज रहा है ना संगीत है, लेकिन आपका चित्त बड़े ध्यान से सुन रहा है। ये बहुत आपकी सराहना मैं करता हूँ कि आप हिले डुले नहीं, आपने हमको डिस्टर्ब नहीं किया और आपने हमको प्रवचन करने में सहयोग दिया और आपके एकाग्र ध्यान को देख करके मैं भी बहुत एकाग्र होकर सत्संग करने की कोशिश किया हूँ।